नमस्ते, निशा बेगम का लजीज किचन में आपका स्वागत है। चलिए आज हम नया कुछ आपके लिए डिश लेके आए हैं मैंगो का। तो ये देखिए, ये हम 1.5 किलो मैंगो लिए हैं मैंगो पुडिंग बनाने के लिए। तो मैंगो पुडिंग कैसे बनेगा आपको हम दिखाते हैं, क्या क्या सामान चाहिए वो भी दिखाते हैं। और ये बहुत अच्छा डिश बनता है, बहुत खाने में भी बहुत लजीज लगता है। तो ये देखिए, 6 पीस है, 1.5 किलो आम में हमारा 6 पीस हुआ है, पूरा पका हुआ। ये मालदा आम बोला जाता है, तो इसका खुशबू भी बहुत, आप कोई भी आम ले सकते हैं, इसका खुशबू नाजवाब होता है। आप कोई भी आम ले सकते हैं पका आम। तो उसका हिसाब से ये देखिए, हम 1/2 लीटर दूध लिए हैं, 1/2 लीटर दूध लिए हैं। इसको हम गर्म करके, ठंडा करके फ्रिज में रखे हुए थे तो हम निकाल लिए हैं। एक हम नींबू लिए हैं, इसको हम 2 टुकड़ा कर लिए हैं। चीनी हम 3 चम्मच लिए हैं, ये वाला चम्मच में 3 चम्मच चीनी लिए हैं। अगर आपका आम मीठा है ज़्यादा तो 3 चम्मच लीजिएगा, थोड़ा मीठा खट्टा में आएगा तो 4 चम्मच लीजिएगा। ये कॉर्नफ्लोर है, कॉर्नफ्लोर हम इस चम्मच में 5 चम्मच लिए हैं। नमक लिए हैं हम 1 टीस्पून नमक लिए हैं। ये हम जमाने के लिए मैंगो पुडिंग जमाने के लिए ये एक बाटी लिए हैं, बॉल हमारा पास यही है तो इसीलिए हम यही वाला लिए हैं। आपका पास अगर कोई डिजाइन वाला होगा तो आप ले लीजिएगा। तो ये देखिए, ये जो मैंगो है हम इसको वॉश करके रखे हैं, इसको हम सारा आप वॉश करके पोस दिए हैं। अब इसको क्या करेंगे, हम काट लेंगे इस टाइप का, इसका छिलका हम उतार लेंगे। छिलका उतार के सारा हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये देखिए, इधर हम छील लिए हैं लास्ट बचा हुआ। मेरा पास ये टेलर है, हम ये टेलर का जरिया इसको छील लेंगे। आपका पास अगर टेलर होगा तो छील लीजिएगा, और नहीं तो आप चाकू का जरिया छील लीजिएगा, और नहीं तो हाथों का जरिया छिलका उतार लीजिएगा। देखिए सारा हम छील लिए हैं, इसका माथा हम काट देंगे, हो गया है। सारा हम छिलका उतार लिए हैं, अब इसको घिसेंगे। ये हमने एक ठो जाली ले लिया घिसने वाला, अब क्या करेंगे इसी में रख के घिस लेंगे, और नहीं तो आप पीस पीस करके काट के भी ग्राइंडर कर लीजिएगा। हम ग्राइंडर करेंगे पर हम पहले इसको इस तरीके से घिस लेंगे। इस तरीके से घिस लेने से क्या होगा, जो पूरा आम हमारा निकल आता है जूस, बाकी खाली गुठली बच जाता है, जो आम का आटी होता है वो बच जाता है। तो ये देखिए, इस टाइप का घिस देने से जल्दी भी हो जाएगा और आसानी से भी छूट जाता है। तो ये देखिए पूरा निकल गया है। इसी टाइप का सारा हम घिस के आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए, सारा हम आम हम इस तरीके से घिस लिए हैं। ये देखिए जूस निकल आया है। अब क्या करेंगे, ग्राइंडर हमने ले लिया है, जूसर वाला आपको दिखा रही हूँ। तो ये देखिए, अब ग्राइंडर में हम डाल देंगे, जूसर वाला में इसको। अब क्या करेंगे, ये जो नमक हमने दिखाया था ये नमक हम इसी में ऐड कर देंगे सारा। ये चीनी भी हम इसी में ऐड कर देंगे, और जो दूध है ये दूध भी हम आधा से ज्यादा हम ऐड कर देंगे। इतना दूध हम बचा लिए हैं कॉर्नफ्लोर में देने के लिए। अब इसका ढक्कन लगा देंगे और इसका हम पेस्ट बना ले रहे हैं बढ़िया से। ये देखिए, ये हम बना लिए हैं इसका पेस्ट बढ़िया से। अब इसको चलने का कोई ज़रूरत नहीं है, जैसे हम दिखाए हैं, जैसा स्टेप बाय स्टेप दिखा रही हैं वैसे ही आप देखिएगा, और फुल वीडियो देखिएगा ताकि
आपको पूरा तरीके से समझ में आए। एक बार नहीं, अगर समझ में नहीं आ रहा, वीडियो को बार बार देखिए। और इसी तरीका से जिस तरीका से हमने सजा लिया है पहले, इसी तरीका से आप जो जो सामान पड़ेगा सजा लीजिएगा, तो आपको कभी तकलीफ नहीं होगा। तो ये देखिए चूल्हा में हमारा पैन बैठा हुआ है, चूल्हा अब हम ऑन कर देंगे। अब इसको हम डाल देंगे इसी में। ये देखिए फ्लेम हमारा हाई है, अब इसको हम क्या करेंगे, चला लेंगे बढ़िया से, एकदम मिक्स कर देंगे। इसी टाइप का चला लेंगे हम। इसी टाइप का हम चलाते रहेंगे इसको बीच बीच में, जब तक ये इसमें उबाल नहीं आ जा रहा। अब क्या करेंगे, इधर जो हम दिखाए थे आपको कॉर्नफ्लोर, ये कॉर्नफ्लोर में हम दूध ऐड कर देंगे। इसका एक पेस्ट पतला सा बना लेंगे, जो दूध हमने रखा है वही दूध हम इसमें ऐड करेंगे। ये देखिए सारा दूध हमारा लग गया है, इसको हम बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। पूरा मिक्स करके बढ़िया से हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये देखिए जो बाटी में हम जमाएंगे, वो बाटी में हम एक चम्मच तेल ले लिए हैं इस टाइप का। अब क्या करेंगे, इसको बढ़िया से हम मिक्स कर लेंगे पूरा बाटी में। पूरा बाटी में इसी तरीके से ऑयल लगा लेंगे, मैंगो पुडिंग जो है ये आसानी से छोड़ देगा। तो देखिए इसमें मिक्स कर लिए, इसको इसी तरीका से रहने देंगे। अब इधर जो हम दिखाए थे आपको कॉर्नफ्लोर, देखिए बढ़िया से एकदम मिक्स कर लिए हैं, कहीं पर गुठली भी नहीं है, पूरा मिक्स हो गया। अब जो ये लेबू जो हम दिखाए हैं, ये लेबू को क्या करेंगे, इसका हम एक जाली में से लस चीप लेंगे, इसका जो जूस है ये जूस हम निकाल लेंगे इस टाइप का। आपका मन करे तो आप आधा दीजिएगा, आ नहीं तो एक दीजिएगा, जैसा आपका पसंद। तो ये देखिए ये लेमन जूस हम निकाल लिए हैं। अब चलते हैं कढ़ाई का तरफ। तो ये देखिए मैंगो में हमारा उबाल आ गया है, हम हाई फ्लेम में रखे हैं, हम हाई फ्लेम में इसको 2 से 3 मिनट पकाएंगे। 3 मिनट आप धीमी आंच में पकाइएगा, नहीं तो इसका छीटा पड़ेगा। धीमी आंच में बनाने से आप 5 मिनट लीजिएगा, 4 से 5 मिनट। तो हम इसको 3 मिनट इसी तरीका से चलाएंगे। ये देखिए हाई फ्लेम में ही कैसे फूट रहा, पूरा इसी तरीका से चलाना होगा, तो आप सकिएगा नहीं, आप धीमी आंच में ही चलाइएगा। अब फ्लेम हम लो कर देंगे और इसको हम चलाते रहेंगे। तो देखिए गाढ़ा हो गया है कुछ इस टाइप का। अब क्या करेंगे, ये जो हम कॉर्नफ्लोर दिखाए थे इसको हम चला लेंगे फिर से, कहीं के नीचे बैठ जाता है। अब ये कॉर्नफ्लोर हम इसी में ऐड कर देंगे और इसको हम जल्दी से चलाएंगे, पूरा इसमें मिक्स कर लेंगे इस टाइप का, ताकि इसका गुठली नहीं पड़े। देखिए
कितना झट से इसको करना पड़ता है, इसी टाइप का ये हम करेंगे। पूरा देखिए मिक्स कर लिए हैं, इसको हम इसी तरीका से तकरीबन हाफ मिनट चलाते रहेंगे। ये देखिए हमने फ्लेम हाई कर दिया था, फिर लो कर देंगे। अब क्या करेंगे, ये जो लेबू का रस है इसमें हम ऐड कर देंगे और इसको बढ़िया से इसमें मिक्स कर लेंगे। तो देखिए बैटर हमारा रेडी हो गया है मैंगो का। अब क्या करेंगे, इसको हम उतार लेंगे, फ्लेम हम बंद कर देंगे। अब इसको हम उतार लेंगे। तो देखिए ये जो हम दिखाए थे बाटी, अब इसमें हम ऐड कर देंगे। पूरा हम दे दिए हैं इस टाइप का देंगे। अब इसको थोड़ा हम हिला लेंगे चारों तरफ ताकि बैठ जाए एकदम गोल। तो ये देखिए ये हम थोड़ा सा साइड में लगा था, इसी टाइप का हम रूम टेम्परेचर में इसको ठंडा होने तक छोड़ देंगे। पंखा का नीचे हम बैठा देंगे, जब तक ये ठंडा नहीं हो रहा तब तक हम डीप फ्रीज में नहीं रखेंगे, ये डीप फ्रीज में ही रखेंगे। तो ये देखिए बाकी जो हमारा बचा हुआ था, ये बाटी हमारा पास था पुराना पड़ा हुआ, तो अब इसमें हम तेल लगा दिए हैं और इसमें ऐड कर देंगे। गाढ़ा तो आपको समझ में आ गया है किस टाइप का आएगा, आपका सामने में हम बना रही हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, इसीलिए हर चीज़ आपका सामने में कर रही हैं। कोई भी चीज़ में बना सकते हैं आप, ऐसा बात नहीं है। जो हमारा पास ये चीज होगा तो हम ये चीज खाएंगे, ऐसा बात नहीं। ये हो गया है, अब इसको हम थोड़ा फैला लेंगे, बराबर में बैठा लेंगे कलछुल का जरिया। ये देखिए एकदम गोल होता जा रहा है ना। तो देखिए ये भी हम एक जमा दिए हैं, तब इसको हम ठंडा होने के लिए उसी तरीका से इसको भी छोड़ देंगे। ये देखिए रूम टेम्परेचर में रख दिए थे, ये ठंडा हो चुका है पूरा। अब क्या करेंगे, आपका पास अगर स्टील पेपर होगा तो इसका ऊपर में कवर कर दीजिएगा, अगर नहीं होगा तो कोई बात नहीं है, आप कोई भी एक प्लेट ले लीजिए बराबर टाइप का। हम इसमें ये कवर कर दिए, इसमें ये वाला कवर कर देंगे। अब करके ये दोनों को हम डीप फ्रीज में 2 घंटा के लिए रखेंगे। तो ये देखिए 2 घंटा हो गया है, इस टाइप का हुआ है। अब क्या करेंगे, एक प्लेट लेंगे और इसको इस टाइप का पलटी कर देंगे। ये देखिए कितना सुंदर हुआ है। और ये जो बाटी में हमने रखा था, ये बाटी का भी हम उतारेंगे। तो ये देखिए ये भी एक हम प्लेट ले लिए हैं, इसको भी हम इसी टाइप का पलट लेंगे। ये देखिए ये डिजाइन वाला बना है, ये बिना डिजाइन वाला बना है। अब इसको हम सजाएंगे। तो ये देखिए मैंगो पुडिंग हमारा बनके रेडी हो गया है। आज का हमारा ये वीडियो कैसा लगा आपको, कमेंट सब्सक्राइब शेयर करके जरूर बताइएगा। और जिस तरीका से हमने दिखाया है
उसी तरीका से पार्ट बाय पार्ट फॉलो करके आप बनाइए, बहुत अच्छा लगता है। आम का सीजन है, अभी पक्का आम मिल जाएगा, फिर बाद में नहीं मिलेगा तो तरस जाइएगा। क्यों तरसिएगा, अभी बनाना फटाफट शुरू कर दीजिए। पूरा डिटेल में हम दिखाए हैं, कोई चीज तकलीफ नहीं होगा आपको समझने में। तो आज का हमारा ये वीडियो कैसा लगा, लाइक सब्सक्राइब शेयर करके जरूर बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते।